हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रिप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीए और बीएमएस के डिफरेंसेस के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या बीबीए और बीएमएस दोनों कोर्सेज सेम कोर्स हैं, इन दोनों कोर्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, कौन से कोर्स में बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस कोर्स का सिलेबस क्या है, किस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं इस वीडियो में हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, आइए। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीबीए और बीएमएस एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले बीबीए, बीबीए जो है, बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़। ये दोनों 3 साल के अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। आफ्टर क्लास 12 आप दोनों कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो जहाँ तक बीबीए की बात करते हैं, बीबीए जो है, बीबीए का जो मेजर फोकस होता है, इट्स मोस्टली ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। एंड इस कोर्स में आपको ये पढ़ाया जाता है कि आप बेसिकली बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स को कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में आपको एडवांस नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग भी पढ़ाया जाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड बीएमएस का जो फोकस है, वो बेसिकली फोकस उसका होता है मैनेजरियल फैसेट ऑफ द बिजनेस, एंड इट इज़ मोर एनालिटिकल एंड लॉजिक ओरिएंटेड देन बीबीए। बट ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो दोनों कोर्सेज काफ़ी सिमिलर हैं, और दोनों कोर्सेज ट्रेन करते हैं बच्चों को देर टू चेज देर एमबीए ड्रीम्स एंड लॉन्च देर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर बीबीए एंड बीएमएस। दोनों कोर्सेज का करने के लिए सबसे जो मेन एलिजिबिलिटी है वो है क्लास 12 पास होना आपको ज़रूरी है। दोनों अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। After class, passing class 12th, you can apply for both the courses and you can do both the courses. Depending on the college, the admission is done on a merit basis or an entrance exam. तो अगर आप मान लीजिए किसी बढ़िया कॉलेज से करना चाहते हैं, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन यू हैव टू क्लियर DU JAT, या फिर अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज से करना है तो देयर यू कैन गेट एडमिशन विदाउट टेकिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। तो डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, द एडमिशन प्रोसेस डिफर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ बीबीए एंड बीएमएस। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीबीए और बीएमएस दोनों ओवरऑल लेवल पे काफ़ी सिमिलर कोर्सेज हैं। काफ़ी हद तक सिलेबस जो होता है, 70-80% सिलेबस जो है, इट्स बेसिकली सेम ऑफ बोथ द कोर्सेज। द वट डिफरेंस इज देयर इज इन द स्पेशलाइजेशन एंड द ओवरऑल फोकस ऑफ द कोर्स। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं बीबीए और बिजनेस, चूँकि ये बिजनेस मैनेजमेंट और आपको इसमें सिखाया जाता है हाउ टू मैनेज अ बिजनेस, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस, सो द मेजर इनिशियल फोकस ऑन ऑफ द कोर्सेज इज ऑन कोर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बिजनेस, विच आर अमंग दीज अमंग द अदर कोर्सेज अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग सिखाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR जिसको बोलते हैं हम लोग, OB इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वो आपको सिखाया जाएगा। बिजनेस लॉ इज़ ऑल्सो टॉट, बिकॉज यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क इन द कंट्री, प्रिवेलिंग इन द कंट्री इन ऑर्डर टू सेटअप अ बिजनेस और रन अ बिजनेस, सो बिजनेस लॉ इज़ देयर। कम्युनिकेशन स्किल्स आर अ स्ट्रॉन्ग फोकस इन एनी बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, बी एट BBA और MBA, इवन MBA, बिकॉज एज अ मैनेजर यू आर सपोज टू बी कम्युनिकेटिंग विद plethora of you know stakeholders, even you're communicating all day through your written messages, through your chats with your colleagues, with your subordinates, with your superiors. So communication skill ka focus ek bahut zyada is in dono courses mein hota hai. Operations management is also taught. Operations management mein kya hai ki kisi bhi business ke jo main jo day to day running hoti hai wo operations management के लोग उसको देखते हैं, तो इसलिए ऑपरेशंस भी आपको सिखाया जाता है। FM इज़ ऑल्सो टॉट, FM इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको फाइनेंसेस सिखाए जाएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप कहाँ से फंड रेज करें, कैसे फंड्स को यूटिलाइज करें, हाउ टू डू द प्रॉपर अकाउंटिंग, हाउ टू डू प्रॉपर बुक कीपिंग, दैट इज़ ऑल्सो टॉट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अलावा मार्केटिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ बीबीए एंड बीएमएस, जिसमें मार्केटिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि हाउ टू एंगेज with your consumers, how to engage with your customers, how to create a good brand, top quality, top notch customer relationship management, CRM जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं BBA BMS में पढ़ाए जाते हैं।
सो एज आई सेड इनिशियली जो फोकस होता है वो कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है. आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर सब्जेक्ट्स यू आर टॉट स्पेशलाइजेशन. यू कैन चूज टू स्पेशलाइज इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन इन बोथ दिस कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट. तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप एक स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं. जो स्पेशलाइजेशन जो ऑफर्ड हैं इसके अलावा और भी नई स्पेशलाइजेशन आ गई हैं, लेकिन मेजर जो क्लासिक स्पेशलाइजेशन हैं BBA और BMS में, वो BMS सबसे पहले BBA की बात करते हैं. BBA में जो मेजर फोकस जो मेजर स्पेशलाइजेशन विच आर अवेलेबल आर फाइनेंस. फाइनेंस में आपको सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया आपको सारी चीज़ें, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड रेजिंग, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी फाइनेंस में. मार्केटिंग के अंदर आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. एविएशन मैनेजमेंट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स विच इज़ बेसिकली फोकस्ड टुवर्ड्स द एयरलाइन इंडस्ट्री. सो दैट इज़ देयर. ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द फोकस, वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन. आफ्टर डूइंग दिस यू कैन बी एन HR मैनेजर एंड यू कैन गो ऑन टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ बिग कंपनी. इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अवेलेबल. एंटरप्रेन्योरशिप में आप सीखते हैं कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, अपने बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, हाउ टू क्रिएट अ गुड ब्रांड, हाउ टू एंगेज विद योर कस्टमर्स, हाउ टू फाइंड न्यू कस्टमर्स. दीज थिंग्स आर टॉट इन एंटरप्रेन्योरशिप. इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स, दैट इज कॉल्ड BA. BA एक बहुत पॉपुलर और नया स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि हाउ टू यूज़ डेटा टू इन्फॉर्म डे टू डे डिसीजंस ऑफ योर बिजनेस. और बिजनेस एनालिटिक्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि आप डेटा को एनालाइज करके स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकते हैं. सो मोस्टली बिजनेस एनालिस्ट्स आर एम्प्लॉयड बाय द स्ट्रेटेजी ग्रुप्स इन कंपनीज वेयर दे एनालाइज द प्रिवेलिंग बिजनेस सिनेरियोज एंड द सिचुएशंस एंड दे देन हेल्प द लीडर्स टेक इन्फॉर्म डिसीजंस. इसके अलावा सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स है जो एक स्पेशलाइजेशन जो अवेलेबल होता है, जिसके अंदर अंदर आपको हाउ टू मूव योर प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउ टू सोर्स रॉ मटेरियल्स और उनको कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में पढ़ाई जाती है. अब देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन BBMS में क्या क्या मिल सकती हैं. तो BMS में जो पॉपुलर स्पेशलाइजेशन अभी चल रही हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज स्पेशलाइजेशन आर ऑल्सो ऑफर्ड इन BMS ऑल्सो. वन इज़ बिजनेस लेजिस्लेशन. बिजनेस लेजिस्लेशन क्या है? बिजनेस लेजिस्लेशन इज़ मोस्टली बिजनेस लॉ. तो बिजनेस लॉ के का को में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा कि करंट लीगल सिस्टम क्या है बिजनेस, विच अफेक्ट्स योर बिजनेस, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा. इसके अलावा एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ कॉल्ड CSR, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी. एथिकल, हाउ टू बी एन एथिकल बिजनेस, हाउ टू बी ए सस्टेनेबल बिजनेस, वो आपको स्पेशलाइज कराया जाएगा एथिकल एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में. इसके अलावा बैंकिंग स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी. इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन टू द फाइनेंशियल सेक्टर, इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ बैंक एज अ बैंक मैनेजर, तो ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल स्पेशलाइजेशन हैं वो BMS में अवेलेबल हैं. ओके सो अभी तक तो हम देख रहे थे कि कोर लेवल पे BBA और BMS काफ़ी सिमिलर हैं, बट डिफरेंसेस क्या हैं दोनों के बीच में. तो जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो ये हैं. जैसे कि BMS, जैसे कि बात करते हैं, BMS चूंकि नया कोर्स है, इट्स नॉट बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दिस कोर्स इज़ मच रिफाइंड एंड इनएक्सपेंसिव, इट्स वेरी चीप. अभी भी नया कोर्स है तो इसमें ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसकी नहीं है, इसकी वजह से इसका जो कोर्स फी है, एवरेज कोर्स फी है, इज़ ₹1 to 5 lakhs. तो आप इतने सस्ते में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं. कंपैरेटिवली BBA जो है, इट्स एन एक्सपेंसिव कोर्स एंड द एवरेज कोर्स फी कैन रेंज फ्रॉम 2 to 5 lakhs. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज, द फी कैन वेरी. BMS का जो कोर्स है वो, BBA का जो कोर्स है वो कन्वेंशनल बिजनेस डिग्री है, जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, जो कि जबकि BMS है वो एक नया बिजनेस डिग्री है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है. एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, BMS फोकस इज़ मोर ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज. तो BMS के केस में आपको जो ज़्यादा फोकस, जो ज़्यादा इम्फेसिस जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप करना चाहते हैं तो BMS वुड बी अ बेटर फिट. BBA के केस में थियोरेटिकल एस्पेक्ट इज गिवन मोर एम्फेसिस. सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ मैनेजर, इफ़ यू वॉन्ट टू डू फर्दर स्टडीज लाइक डूइंग MBA और फेलो प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट ऑफर्ड बाई दी IIMs, देन यू शुड चूज BBA. BMS जो है वो एक एडवांस कोर्स है,
और इसमें जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, इट इज़ डन थ्रू प्रेजेंटेशंस, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट राइटिंग, समर इंटर्नशिप, सेमिनार्स, ये सारी चीज़ें। जबकि बीबीए के केस में ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो मेजर फोकस होता है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे होता है एंड नेटवर्किंग के ऊपर होता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू गो फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, देन यू शुड चूज़ बीबीए। एज ए सेड, दिस कोर्स फोकस इज मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, सो दिस कोर्स इज मच मोर सुटेबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन वेंचर, देन यू शुड गो फॉर बीएमएस। बीबीए का फोकस चूंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, सो इसलिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स चूज़ करना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बी ए मैनेजमेंट ट्रेनी, इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एज अ मैनेजर इन एनी बिग कॉरपोरेट हाउस, देन यू शुड चूज़ बीबीए। बीएमएस सिंस इट्स अ न्यू कोर्स, इट्स नॉट वाइडली नोन इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड, बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस कोर्स डज नॉट हैज़ अ गुड प्लेसमेंट्स। दिस बोथ द कोर्सेज आर कंपेरेबल इन प्लेसमेंट्स, बट ऑन द अदर हैंड बीबीए इज अ मच मोर रिप्यूटेड एंड पॉपुलर डिग्री एंड इट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश एंड वेल नोन इन द बिजनेस स्फेयर्स। सो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बीबीए बीएमएस करना चाहते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू माइट हैव टू टेक एन एंट्रेंस एग्जाम और यू कैन गो फॉर अ प्राइवेट कॉलेज। सो सम ऑफ द मेजर दीज आर दिस लिस्ट इज़ बाई नो मीन्स एग्जॉस्टिव, बट सम ऑफ द मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर बीबीए एंड बीएमएस आर ड्यूजैट। सो ड्यूजैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटीज ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। सो इसके थ्रू आप बीबीए और बीएमएस आप कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करना है तो आपको ड्यूजैट क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा आईमा, दैट इज़ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंडर UGAT होता है, जिसके अंतर्गत आपको और जो कॉलेजेस हैं बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स इट्स ऑन एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज़ मुंबई यूनिवर्सिटी कंबाइंड मेडिकल सॉरी कंबाइंड मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, जिसके जिसके थ्रू आपको बीएमएस और बीबीएमएस बीबी एमबीए इंटीग्रेटेड एक कोर्स है जो मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, वहाँ एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको नारसिमोनजी से करना है तो नारसिमोनजी का एंट्रेंस टेस्ट एनपैट होता है, एनपैट के थ्रू आपको बीबीए बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड बीकॉम ऑनर्स इन सब में एडमिशन आपको मिल जाता है। सो देर यू हैव इट, दिस वीडियो इन दिस वीडियो वी ट्राई टू डिस्पेल सम ऑफ द डाउट्स रिलेटेड टू बीबीए एंड बीएमएस। अगर आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यू शुड नाउ यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू एक्चुअली टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जैसा जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ लेट अस नो विच कोर्स यू आर लुकिंग टू ज्वाइन इन द फ्यूचर। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।